Hello dear friends, how are you? So today in this video, I'm going to discuss the work profile of stenographer, especially in income tax department. Okay, so the nature of work, variety of work, and the experience and the atmosphere of the offices, and whether the stenos are happy or not doing their work, या ऐसा तो नहीं है कुछ pressure feel करते हैं, और क्या हम वही काम करते हैं जो सोच के आते हैं, ये सारी हम बातें करेंगे. तो पहले हम टाइमिंग की बात कर लें कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो 10 से 6 उनका टाइमिंग रहता है. इन द सेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी टाइमिंग 10 से 6 है, लेकिन 10 का मतलब एग्जैक्टली 10 नहीं, ठीक है, थोड़ा आप लेट भी हो जाते हैं. और 6 का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 के पहले नहीं आ सकते हैं. काम ज़्यादा नहीं होता है तो जब आपको ऑफिसर आपके बोलते हैं कि ठीक है पैकअप करते हैं, देन यू कैन पैकअप इन द सेंस आप घर जा सकते हैं. बट इन द मंथ ऑफ मार्च, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द वर्कलोड इज एनफ, दैट्स वाई समटाइम्स स्टाफ हैव टू वेट और वर्क देयर लेट नाइट, कभी 11-12 भी बजाता है. बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, वो घर ज़्यादा 7 बजे या 7:30, और भी लेट होता है. कभी कभी क्या होता है, जो अदर जो मेल स्टाफ है वो रुकते हैं और फीमेल स्टाफ को बोल जाता है कि आप जा सकती हैं, ठीक है. तो ये मार्च का बता रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हमेशा, अगर किसी के केस ऐसे हैं जो टाइमली फिनिश हो जाते हैं, तो ऐसा बर्डन आपको फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ओवरऑल जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है, और जो वर्क जो है वो अच्छा है. पब्लिक डीलिंग नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है. जो भी काम है आपका सिस्टम का है, और सिस्टम का काम है तो ऐसा नहीं है कि 10 से 6 आप कंटिन्यू काम ही किया जा रहा है. आपको मनोरंजन क्लब जैसे कि TT है, चेस है, कैरम है, इनका खेलने का भी बीच में टाइम मिल जाता है. लंच आवर भी अच्छा होता है, ठीक है, करीब 1.5 घंटे का. और इसके अलावा भी अगर हम मार्च के बाद छोड़ दें तो यू हैव टाइम टू स्टडी ऑल्सो. आपको अगर आप गपशप में नहीं लगाते हैं खुद को, तो आपके पास टाइम होता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. तो ये रहा. अब हम अगर बात करें स्पेशली जो स्टेनोज हैं वो करते क्या हैं. सो बिफोर एंट्रिंग टू एनी डिपार्टमेंट, वी इन द सेंस द SSC स्टेनो एस्पिरेंट्स थॉट दैट दे हैव टू वर्क लाइक टाइपिंग एंड डिक्टेशन राइटिंग. देर इज टोटली डिफरेंट एटमोसफेयर इन द ऑफिस आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट. बहुत ही रेयर होता है कि आपको डेली डिक्टेशन कोई बोल रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. मैं अभी तक का बताऊँ, नवंबर 22 में ज्वाइन किया था, इसल नाउ आई हैव नॉट रिटन एनी डिक्टेशन. तो चाहे अच्छा मान लो या बुरा मान लो, और मैं खुश हूँ बिकॉज द वर्क इज लाइक TN इंस्पेक्टर, जो टैक्स असिस्टेंट है, जो इंस्पेक्टर हैं, जो वो काम कर वो स्टेनो भी कर रहे हैं, ठीक है. तो अभी मैं बताऊँ अगर मेरा काम क्या चल रहा है, तो जो ITB इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन जिस पे केसेस आते हैं, आपको पढ़ने होते हैं, आपको रिप्लाई देखने होते हैं, तो आपके जो सीनियर हैं यानी कि जो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, वो आपको बताते हैं कि आप ये केस पढ़ लो, इसका ये तैयार कर लो. तो चीज़ें अच्छी लगती हैं. वैरायटी ऑफ वर्क इज गिवन टू यू. आप किस असेसमेंट में, अगर आप वेरीफिकेशन यूनिट में है तो थोड़ा सा वर्क उसका डिफरेंट होगा, बट वो भी आपको सिस्टम पे करना होगा. और अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हैं, इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस जो सर्च होती हैं, जो रेट्स होती हैं, स्पेशली उसके लिए एक अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उसकी एक अलग यूनिट है. अगर आपका उसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो समझ लीजिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी रेट होंगी, जो भी सर्चेज होंगी, तो यू हैव टू गो, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा. तो उसका एक अलग वर्क हो गया, ठीक है. तो मज़े आते हैं, मतलब आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. और कभी कभी कोई ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो डिक्टेशन बोलते हैं, डिक्टेशन इन द सेंस उन्होंने कहा ये मैंने बोल दिया, अब आप इसको टाइप कर लो, लेकिन रेयर होता है, ठीक है. तो स्टेनो कभी आपको फॉरवर्डिंग भी बनानी, फॉरवर्डिंग इन द सेंस लेटर भी आपको लिखना होता है, या कोई केस है, केस से रिलेटेड कोई ILP है या शोपस नोटिस है, वो टाइप करना होता है, बनाना होता है, पढ़ना होता है केस, ठीक है, खुद से बनाना होता है, फिर अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाना होता है, वो कुछ करेक्शन करवाएंगे, ठीक है. एडिटिंग होती है और ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है. अब अगर जो सीनियर हैं, सीनियर इन द सेंस जिनका प्रमोशन हो गया है, इन द केस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देयर इज नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, की कोई पोस्ट नहीं है डायरेक्ट. सो आफ्टर प्रमोशन यू मे बिकम स्टेनोग्राफर ग्रेड सी. तो जो ग्रेड सी हैं उनका थोड़ा जो क्या कह सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हायर लेवल की है, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल लेवल की है. जैसे मान लो नए जॉइनीज हैं, नए लोगों ने ज्वाइन किया, उनका ID कार्ड बनना है, तो उसके लिए हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो स्टेनो के थ्रू और कंसर्न जो कमिश्नर्स हैं या जो भी उनके सीनियर हैं उनके पास जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें ग्रेड सी के लिए होती हैं. और ऐसा नहीं है कि जो ग्रेड डी कर रहा है वो ग्रेड सी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है. वो करते रहते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ती है, जैसा काम आता है, वैसा सारे लोग मिलके करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये काम यही करेंगे, ये काम यही करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है. आप सारे काम करने को आपको मौका मिलता है, और यही एक खूबी है. सो ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग दिस डिपार्टमेंट, आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस डिपार्टमेंट. तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, स्टेनो का काम भी बहुत अच्छा है, और एक रिस्पेक्टेबल जॉब है. अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सिंसियर हैं, सो यू हैव बेटर बॉन्डिंग विद योर सीनियर्स, तो अच्छा लगता है ओवरऑल, ठीक है. तो ये काम है.
इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देन जो रेड या सर्च आप जो शब्द सुनते हैं तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि स्टैम नहीं जाएंगे या टीए नहीं जाएंगे या टीए जाएंगे स्टैम नहीं जाएंगे। इफ़ देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ तो आपके कमिश्नर्स जो जाते हैं ठीक है जो इन्वेस्टिगेशन विंग में है उनके अलावा जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो भी जाते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी का नाम आता है, अगर रिक्वायरमेंट नाम आता है तो जाना पड़ेगा उनको। स्टेनोज भी जाते हैं, टीए यानी कि टैक्स असिस्टेंट भी जाते हैं, एमटीएस भी जाते हैं ठीक है। तो अगर चाहिए उनको इन्वेस्टिगेशन टीम को अगर स्टाफ चाहिए तो कोई भी स्टाफ चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो ठीक है उनका अगर नाम आता है तो उनको जाना होता है। अगर बहुत ही कोई सीरियस इशू है या कोई प्रॉब्लम है इनकेस तो फिर आप बता सकते हैं जिन्होंने आपको कॉल करके बोला है कि आपको जाना है तो फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है आपकी जगह कोई और जाएगा। और ऐसे केस में क्या होता है कभी कभी दूर सर्चेस होती हैं तो आपको 5 से 6 दिन का भी टाइम लग जाता है फिर सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट इन द केस ऑफ सर्च वो फिर आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप ये नहीं कह सकते सैटरडे संडे है एंड आई विल नॉट डू माई ड्यूटी, ऐसा नहीं है। इफ यू आर इन द सर्च देन योर ड्यूटी इज स्टिल यू आर रिटर्न टू योर ऑफिस ठीक है। तो ये होता है और काफ़ी अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है सर्चेस में, कभी भी बुरा भी लगता है। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री वगैरह में है तो आपको वहीं स्टे करना होता है, बट इन केस ऑफ फीमेल तो फीमेल तभी जाती हैं जब उसके रेजिडेंस पे सर्च होनी होती है और उनका जो रुकने वगैरह का है वो जो एसएससी जिसके यहाँ सर्च हुई वहाँ पे रुकने का इंतजाम किया जाता है। ऐसा नहीं है, पूरा सेफ्टी मेजर्स इज ऑलवेज देयर, खाने पीने के भी सारा कुछ होता है, लेकिन वही है कि अगर बाहर के खाने में आपको प्रॉब्लम है या ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट ठीक है कोई भी डिपार्टमेंट हुआ हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कभी कभी आपको थोड़ा बुरा लगेगा, बट इट्स ओके। जब आप फ्लाइट से जाते हैं या फिर आप जाते हैं या फर्स्ट टाइम जाते हैं सो अच्छा लगता है ठीक है, नया एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, तो स्टैनो का काम भी शानदार है। और अब आपको अगर लगता है कि और भी कुछ आप जानना चाहते हैं यू कैन कमेंट। आई होप मैंने सारा कुछ बताया आपको।